नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फरुखाबाद, मोहम्मदाबाद, कोतवाली क्षेत्र, ग्राम अहिमलापुर में शराब पी रहे तीन दोस्तों की हालत गंभीर होने पर परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। हमने कोई छोड़ा मुको आदमी बैठो है तो हम तीन ने लोने तीनों ने दारू खोली। जेठ ने मेरी खोली। दारू कौन लेके आया था? मोनू जो खत्म हो गया। वो यहाँ पे आने के बाद लेने गया था? हाँ, ये पैसे मोनू लेके गए थे। कहाँ लेने गए थे? मोटरसाइकिल दे गए थे, जाने पालू कहाँ से लेके अच्छा, लेके लेने गए थे यहाँ पे आने के बाद। हाँ, उससे पहले थोड़ी पी थी उन्होंने? हाँ, पहले कुछ ना, पैसे नहीं। मेरे भाई साहब लोग यहाँ पे पैसे तो नहीं पीते, कैसे कोई प्या दे। अच्छा। हाँ, छिबड़ा मुँह से आई ने कि फोन किया कि आलू भूंज रहे आओगी तो उनने किया तो कि यार मंगा लो घर की, तो उनने 500 रुपया लिखा, 500 रुपया दे तो जो घूम रहे सब। ऐसी बात नहीं, मेरे बच्चे स्कूल से आए थे। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल से तो या कि मम्मी मुझे रोटी बना दो, तुम गए थे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो हमने भी लला दवा ने आलू भूजे, आलू खा लो, कोच में घेरा हो गई है क्योंकि हम आलू नहीं खाएंगे हम कोच। तो हमने लला मेरे लिए दो आलू ले आ जाए, तो हमने हम तो रोटी बना रहे लला मेरे, हम आलू लला नहीं लेगा फिर हम आलू लेके कि बहु निखार ले बहुत, तो हमने निखार के चलबे तब कि तब भाई साहब ने यह कही कि बहु मोनू न मन नहीं है। हमने भाई साहब आए, भाई साहब मोनू आई गो, हमने भाई साहब आई तो फिर घर पे गया कि दादा ने हमें गिलास दे दो, तो हमने गिलास मोनू नहीं देंगे हम कि तुम बहुत पुजारी ना हो, हमने कन्हैया की पूजा करते हैं कि दल लो अपने गिलास, तो एक जो गिलास उठा लिया साहब, एक गिलास उठा लिया चुप पे, हमने कि मेरा ख़राब कर दो हम नहीं लेंगे गिलास। फिर इन लोगों ने ये भी जांच का इशू है, इसके बारे में ऊपर जो अधिकारी उनसे भी वार्ता की जाएगी और जो भी लीगल तरीके से अवैध तरीके से जो सहायता की जा सकती है वो की जाएगी। ठीक सर, क्या साहब ये तीन लोग जो ख़त्म हुए हैं क्या सरापिस ख़त्म हुए हैं कि किसे? ये थाना मोहम्मदाबाद के अंतर्गत जो ग्राम अहिमलापुर है वहाँ पर आज दिन में 3 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ के जो तीन लोग हैं जिनमें एक का नाम मोनू है, एक का नाम ओमवीर है और एक अन्य जितेंद्र हैं, उनमें से जो मोनू है उनकी उम्र 27 वर्ष है, बाकी दोनों की उम्र 55 और 52 वर्ष है, तो उनके संबंध में सूचना आई थी कि ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर अपने ही गांव में यहाँ पर जो छप्पर है वहाँ पर बैठकर जो आलू होते हैं और चटनी होते हैं वो साथ में खा रहे थे, साथ ही साथ शराब का सेवन कर रहे थे। उसके बाद अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद जब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। तुरंत से यहाँ पर DM साहब और हमारे द्वारा और हमारा जो अन्य फोर्स है और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर आए हैं और इसके संबंध में उन्हें जांच पड़ताल की है और जो मृत्यु का कारण है वो PM के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि किस चीज़ से इसकी मृत्यु हुई है। इसके संबंध में जल्द से जल्द जो मृतक हैं उनके घर वालों से भी मिला गया है और जल्द से जल्द PM की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो एहतियात तौर पर जो जो हमारे तरफ से इसमें लोगों को सजग करने के लिए जागरूक करने के लिए जो जो किया जाना था वो किया जा चुका है। DM साहब की तरफ से भी बताया जा चुका है कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं और अगर वैसा कोई अंदेशा है तो उनके बारे में बताया जा चुका है कि वो भी बंद हो जाएगी और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो इन्होंने शराब पी थी वो एक इंपीरियल ब्लू की जो बोतल है उनके पास से मिली थी, एक हाफ और एक पौवा जो था इनके पास में था, इसको कब्जे में लिया गया, उसकी सैंपलिंग की गई है, उसको सैंपलिंग करके उसको भी उसके लिए भेजा जा रहा है FSL में कि उसके कंटेंट हैं वो क्या है। क्या सब सेलमैन या ठेका माल की गिरफ्तारी? किसी गिरफ्तारी की अभी इसके अंदर जो ग्राम जो इनके परिवारजन हैं उनसे तहरीर ली गई है, साथ ही साथ जो जहाँ से शराब खरीदी गई थी वहाँ का जो सेल्समैन है और एक अन्य व्यक्ति उसको डिटेन किया गया है और उससे इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि और जो बाकी जो लिंक है इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड की वो सारे कनेक्ट किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर वगैरह निकाला गया। सर, बारकोड स्कैन हो पाया कि नहीं जो उस पर बोतल पर बारकोड था? बारकोड जो हमारा था वो हमने स्कैन कर लिया है, उसी के आधार पर हमें पता चला है कि कहाँ से खरीदी गई है और
लेकिन जो मृत्यु का कारण है कि किससे हुई है वो पीएम के बाद ही निश्चित हो पाएगा। तो इसमें जो तहरीर मिल रही है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है।